हेलो फ्रेंड्स जीएसटी एंड इनकम टैक्स की पहली एक्सटेंशन लिस्ट आ चुकी है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस मिल गई हैं जो एक्सपेक्टेड थी इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं साथ ही डिस्कस करेंगे कि कहाँ एक्सटेंशन और हमें मिल सकती है एक्सपेक्टेशंस क्या हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉटेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ तो पहले जो इम्पॉर्टेंट हमें एक्सटेंशंस मिली हैं उनकी बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एक्सटेंशंस है वो हमें दी गई हैं इनकम टैक्स के अंदर तो सीबीडीटी ने जो है असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस को लेकर के फर्दर हमें एक्सटेंशन दे दी है पहले यहाँ पे बात कर रही है असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी की रिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम यानी कि असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर एटीन नाइनटीन की रिलेटेड आई की एक्सटेंशन आपको दी गई थी तीस सितंबर तक जिसे फर्दर एक्सटेंड किया गया गया है तीस नवंबर दो हजार बीस तक नेक्स्ट रिवाइज रिटर्न यानी कि बिलेटेड और रिवाइज दोनों की ही डेट को फाइनेंशियल ईयर अठारह उन्नीस असेसमेंट ईयर उन्नीस बीस दोनों ही डेट्स को एक्सटेंड किया गया है फर्दर तीस नवंबर दो हजार बीस तक आज जो एक्सटेंशंस हमें मिली है उसके बारे में हम बात करते हैं तो आई टी आर इन केस ऑफ टीपी ऑडिट केस में जो हमारी डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है इकतीस जनवरी 2021 अब जो मोस्ट कन्फ्यूज डेट्स हैं जिनको लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो गई है वो आपने बड़े ध्यान से सुनी है दोस्तों ऑडिटेबल केसेस में यानी कि अगर आपकी कंपनी असेसी है आप ऑडिटेबल केसेस में जो आपकी डेट एक्सटेंड हुई है वो हुई है इकतीस जनवरी 2021 हज़ार किस असेसमेंट ईयर की मैं बात कर रही हूँ बीस इक्कीस यानी कि फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस की ऑडिटेबल केसेस में जो आपकी रिटर्न है आईटीआर है उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है इकतीस जनवरी दो कौन कौन से केसेस रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी असेसिस वेयर ऑडिट इज़ मैंडेटरी एंड इन केस ऑफ पार्टनर इन फॉर्म हुज ऑडिट इज मैंडेटरी तो आपके लिए जो आई टी आर की डेट है उसे एक्सटेंड किया गया है इकतीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस तक फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब आई टी आर की डेट हो गई है इकतीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस ऑडिट के केस में ऑडिट की डेट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है कि टैक्स ऑडिट की डेट क्या हुई है तो दोस्तों टैक्स ऑडिट की डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है इकतीस दिसंबर दो हज़ार बीस साथ ही अदर केसेस में यानी कि नॉन ऑडिटेबल केसेस में अगर आपको ऑडिट नहीं करानी है तो आपके लिए डेट एक्सटेंड हुई है 31 दिसंबर दो हज़ार बीस तो ध्यान से आपको ये डेट्स जो है समझनी है कि किन केसेस में 31 जनवरी हुई है केवल ऑडिटेबल केसेस में ही 31 जनवरी हुई है टैक्स ऑडिट की डेट आपकी 31 दिसंबर ही है वो इकतीस जनवरी नहीं हुई है कमेंट्स आ रही है मेरे पास टैक्स ऑडिट की डेट को लेकर के कि ऑडिट की, की डेट को इकतीस जनवरी कर दिया गया है जी नहीं ऑडिट की डेट आपकी इकत्तीस दिसंबर है और नॉन ऑडिटेबल केसेस में आपकी आईटीआर की डेट इकतीस दिसंबर है साथ ही यहाँ पे आपको एक्सटेंशन और रिलीफ दिया गया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी को लेकर के कि अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी एक लाख से कम है तो उसकी भी डेट पेमेंट की डेट को एक्सटेंड किया गया है जो आपकी आई टी आर की डेट है वही कर दी गई है यानी कि ऑडिटेबल केसेस पे आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है इकतीस जनवरी दो और नॉन ऑडिट केसेज में आपकी 31 दिसंबर 2020 एक्सटेंड कर दी गई है तो ये एक्सटेंशंस हैं जो आपको इनकम टैक्स के अंदर मिली हैं अब बात करेंगे हम जी की तो दोस्तों जी में हमें जो एक्सटेंशन मिली है वो मिली है जी एस टी आर नाइन और नाइन सी नाइन नाइन ए नाइन सी के अंदर जी हाँ अब इन्होंने नाइन ए को भी मेंशन कर दिया है साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं क्योंकि प्रीवियस जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी उनमें मैंने ब्रीफ में आपको सिर्फ एक्सटेंशन के बारे में बताया था लेकिन इम्पॉर्टेंट डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं तो ये प्रेस रिलीज़ है इसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया है कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी जी एस और नाइन सी के डेट को लेकर के तो इट हैज़ बिन रिक्वेस्टेड दैट ड्यू डेट्स जो है उसे आप इकतीस अक्टूबर से आगे एक्सटेंड कर दीजिए तो इन व्यू ऑफ द सेम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न अब आप इन्हें इन्होंने यहाँ पर जी एस टी आर नाइन नाइन ए लिख दिया है क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी कि नाइन की हो गई है क्या नाइन ए की नहीं हुई है तो नाइन एंड नाइन ए एंड नाइन सी की फॉर द फाइनेंशियल ईयर एटीन नाइनटीन इकतीस अक्टूबर से इकतीस दिसंबर कर दी गई है जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी सेकेंड इन्होंने कहा है कि जो नाइन नाइन ए है वो ऑप्शनल है टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एग्रीगेट टर्न ओवर बिलो टू करोड़ है अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर है दो करोड़ से कम है तो आपके लिए जी एस टी आर नाइन नाइन ए ऑप्शनल है अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो उसे फाइल कर लीजिएगा अगर नहीं हुई है सब कुछ ठीक है तो आपके लिए ऑप्शनल है आप चाहे तो जी एस टी आर नाइन नाइन ए फाइल ना करें द फाइलिंग ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर जिनका टर्न ओवर अप टू रुपीज़ फ़ाइव करोड़ तक है तो दो से पाँच करोड़ के बीच अगर आपका टर्न ओवर है तो आपके लिए जी एस टी आर नाइन सी भी ऑप्शनल है फाइव करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए नाइन सी मैंडेटरी है दो करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है नेक्स्ट अब बात आती है कि ये तो हमें रिलीफ दे दिया गया है नाइन नाइन ए नाइन सी और टैक्स ऑडिट और आई डेट्स को लेकर के अब जी की बाकी रिटर्नस का क्या जहाँ पे फर्दर हमने एक्सटेंशन की डिमांड की है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन गई है वो केवल नाइन नाइन सी या फिर टैक्स ऑडिट के लिए नहीं गई है उसमें काफ़ी सारे डिमांड्स हैं जो नीड ऑफ द टाइम है टाइम को देखते हुए हम लोगों ने डिमांड की है उनका क्या तो दोस्तों जी एस टी रिटर्न डेट एक्सटेंशन को लेकर के हम उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी कहा जी ने भी ट्वीट करके ये चीज़ें क्लियर की हैं कि जी पोर्टल पर दिक्कत थी टेक्निकल ग्लीचिस थे जिसकी वजह से पोर्टल दो या तीन घंटे जो है काम नहीं कर रहा था और काफ़ी सारे टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल नहीं कर पाए इन परेशानियों की वजह से क्योंकि पोर्टल पर जो टेक्निकल ग्लीचिस थे जब तक वो रहे तो काफ़ी दिक्कतें जो है पेयर को वहाँ पे आ रही थी फाइलिंग में तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट्स हैं वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती हैं अब किस पीरियड तक ये एक्सटेंड हो सकती है या केवल सितंबर मंथ की डेट में एक्सटेंशन मिलेगी वो अभी देखना बाकी है लेकिन उम्मीद यही है कि जीएसटी रिटर्न्स की डेट में एक्सटेंशन मिल सकती है एमनेस्टी स्कीम को लेकर के चांसेस बहुत कम है हालांकि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पर बनाया जा रहा है कि वो भी ज़रूरी है पेंडेमिक स्टिल है रूल थर्टी सिक्स सब रूल फोर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर बनाया जा रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल जी एस टी रिटर्न डेट्स में आपको एक्सटेंशन मिल सकती है उम्मीद पूरी है इसके अलावा कोई अपडेट हमारे साथ शेयर होगा तो वह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग